नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुमन पे। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को अभी कर रहे थे। इसके पहले बहुत सारे हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो मेरा अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 25 एंड 27 आज हम लोग करेंगे। दो क्वेश्चन का हम लोग का प्यारा सा सेशन होगा। सो आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे होंगे एंड एंड तक बने रहिएगा। नाउ मैं क्वेश्चन को एक बार आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, आप नोट कीजिएगा इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स। The elevation change to 30 degree if the aeroplane is flying at the height of 2500 meter. Find the speed of the aeroplane. तो क्या बोल रहा है बच्चों? The angle of elevation of an aeroplane from a point on a ground is 45 डिग्री। तो कोई एरोप्लेन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे कितना डिग्री का फॉर्म कर रहा है, कितना डिग्री का मेक हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड। तो ये कोई समथिंग हाइट आपका गिवन है कितना 2500। हम लोग फिगर को इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। फिगर अगर ड्रॉ हम लोग का हो जाता है तो क्वेश्चन फिर इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये मेरा हाइट है, किसका, इस हाइट पे मेरा एरोप्लेन जो है वो फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। तो और एंड इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना डिग्री का हो रहा है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का हो रहा है बच्चों, 45 डिग्री का। क्लियर है? आगे क्या बोलता है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड ये और फ्लाइंग करता है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद क्या होता है, एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। एलिवेशन क्या होता है बच्चों, 30 डिग्री में चेंज हो जाता है। तो एलिवेशन जब 30 डिग्री में आपका चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 45 से समथिंग कम ये जो आपका इंक्लाइनेशन है दिस लाइन ऑफ साइट का, वो 45 से और थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। इट मीन्स 45 से कम है ये 30 डिग्री एंगल। तो ये जो मेरा एलिवेशन है वो 30 में चेंज हो जाएगा। आगे मेरा जो एलिवेशन है वो कितना में हो जाएगा बच्चों चेंज, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे इस तरह से। मेरा जो आगे एलिवेशन है वो 30 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 था बट ये एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। कितना देर में ऐसा होता है, आफ्टर 15 सेकेंड, मतलब ये इस हाइट पे उड़ रहा था मेरा हवाई जहाज जो भी है एरोप्लेन, आफ्टर 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि इसका इंक्लाइनेशन, इसका एलिवेशन मतलब झुकाव, इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है, इसका एलिवेशन जो था 45 डिग्री नहीं होकर के क्या हो गया 30 डिग्री। जब इसका एलिवेशन 30 डिग्री हो गया बच्चों तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ और आगे मूव किया होगा। जब ये और आगे मूव करेगा तो कितना देर में मूव किया है, 15 सेकेंड में। और एंड इसका हाइट गिवन है, इसका हाइट कितना है बच्चों, इसका हाइट गिवन है 25 मीटर, 2500 मीटर। कितना है बच्चों, 2500 मीटर। हम लोग इसको इस तरह से मीट कर देते हैं, ठीक है। ये सेम ये पैरेलली मीट करता है इसको। एंड लेट करते हैं ए बी सी डी एंड ई। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन मेरा जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड।
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड। सो जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो ये जो एरोप्लेन है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में ये 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा था, फिर यहाँ इस डिस्टेंस पे आ गया तो 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। तो यही ई ए या बी डी, यही डिस्टेंस ये क्या किया है, ट्रेवल किया है मेरा एरोप्लेन। तो इस डिस्टेंस को अगर हम फाइंड आउट कर पाए तो ये डिस्टेंस बाई 15 सेकेंड क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये मेरा कितना बच्चों सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये जब हाइट 2500 है तो ये भी हाइट मेरा कितना हो जाएगा 2500 मीटर, ये भी हाइट कितना है 2500 मीटर। इन ट्राइंगल ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी क्या हो जाएगा गाइस, इन ट्राइंगल ई डी सी ये हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक्स है एंड ये मेरा वाई है, वाई मीटर एक्स मीटर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टैन फोर ई डी सी में मेरा एंगल जो है एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री इक्वल टू पी वाई बी। तो पी के प्लेस पे क्या है 2500 बाई बी की जगह पे एक्स है बच्चों, कितना है पी के जगह पे है 2500 एंड बी की जगह पे क्या है एक्स है। तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 2500 बाई एक्स, सो एक्स इक्वल टू 2500 मीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया 2500 मीटर। सी डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2500 मीटर। सी डी इक्वल टू व्हाट, 2500 मीटर। एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाए, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है बाई, बाई का जो वैल्यू आएगा उसी में हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड हम लोग का एरोप्लेन का फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 30 डिग्री का है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 2500 पी बाई बी, बी की जगह पे क्या 2500 प्लस बाई बी की जगह पे क्या हो जाएगा 2500 प्लस बाई, क्योंकि ये पूरा बी सी, ए बी सी में ये क्या है पूरा का पूरा आपका बी सी है। तो पहले ही से हम लोग एस का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं, ऊपर क्या लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू 2500, नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2500 प्लस बाई, यहाँ से आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2500 प्लस बाई इक्वल टू 25√3, 25√3। सो बाई इक्वल टू 2500√3 है, -2500 हो जाएगा तो 25 कॉमन लेंगे तो रूट क्या हो जाएगा बच्चों 3-1, 3-1 हो जाएगा गाइस। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3-1 हो गया ये, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 25√3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1.732 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.732, 0.732 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1830 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 1830 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस तरह से कीजिएगा 25 25, इस तरह से मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्या आप कीजिएगा 2500 × 0.732, इसको लिख सकते हैं 25 × डबल जीरो को उधर शिफ्ट कीजिए राइट साइड 73.2 इक्वल टू 1830 मीटर, ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस वाई, वाई इक्वल टू मेरा 1830 मीटर आ गया। सो स्पीड
स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा केयरफुल वे में करना है ताकि हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। 18 30 बाई 15 इतना क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, इतना क्या आएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको आप 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम लोग इस यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 5 से 5 3 जा 5 3 जा हो गया, फिर ऊपर आपका क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 पे 3 तो 5 6 5 6 जा 30, फिर 3 पे 0 5 6 जा, तो ये क्या आ गया 3 6 6 बाई 3, 1 2 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आवर में भी चेंज कर सकते हैं 18 into 18 by 5 से मल्टीप्लाई करके। सो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर है? तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा ये डिफरेंट था इसीलिए मैं इसको यहाँ पे आप लोग के सामने डिस्कस किया, अदरवाइज हम लोग बहुत सारा एक क्वेश्चन हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, एंड अब जो डिफरेंट डिफरेंट है उसी को हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को कुछ भी, कोई भी, किसी भी प्रकार का डाउट ना हो जब वो खुद से सॉल्व करें तब। एंड इसीलिए मुझे थोड़ा सा अभी वेरिएशन लगता है क्वेश्चन में, तो मैं उसको यहाँ पे आप लोग के सामने डिस्कस करता हूँ। एंड हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने बोर्ड पे है वो क्या है, 27 नीचे लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको पहले से ही नोट डाउन कर सकता हूँ ताकि हम लोग का जो टाइम है इसको लिखने में वो सेव हो सके यहाँ पे क्लास में। ठीक है, तो मैं एक बार इसको आप लोग के सामने पढ़ता हूँ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट को क्लियर करना है। लुक एट हियर, ऑब्जर्व फ्रॉम क्या बच्चों, ऑब्जर्व फ्रॉम कहाँ से ऑब्जर्व करा, ये हमेशा आपको थोड़ा सा क्लियर करना है इस पॉइंट पे। टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर किसी को कोई वर्ड को समझने में प्रॉब्लम है तो वो एक बार मुझे ध्यान से सुन ले। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, सी मतलब वाटर लेवल है, समुद्र है, सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड, द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला, कोई लाइट हाउस है जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इन सारी चीज़ों को, कोई लाउ कोई क्या है बच्चों, लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब कुछ भी होगा जहाँ पे कोई लोग, कुछ लोग होंगे या कोई होगा वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज़ को। सपोज कीजिए ये कोई लाइट हाउस है गाइज, ये क्या है, ये कोई लाइट हाउस है, यहाँ से किसी चीज़ को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। ये जो मेरा लाइट हाउस जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है वो कितना है, 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब ये समुद्री लेवल जो है उससे 100 मीटर अबव है जहाँ से ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट पे, अबव है कितना मीटर है 100 मीटर, एक लाइट हाउस है यहीं से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंज
चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। होता क्या है कि जब यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कोई सिप को, ये ऑब्जर्व ये कर रहा है, समुद्र में क्या हो सकता है, सिप ही हो सकता है, मतलब सिप भी हो सकता है। तो कोई सिप को, सिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो सिप को ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिप चल रही है, ठीक ना। तो हो क्या रहा है कि इसके बेस की तरफ, इस लाइट हाउस की तरफ वो टुवार्ड्स है, मूविंग है। ये कैसे हम जाने, ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइट हाउस की तरफ वो शिप आ रही है, इस तरह से बोल सकते हैं, सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट लिखा हुआ है यहाँ पे, टुवार्ड्स इट, इसी इसी के ओर आ रही है। चेंज फ्रॉम 30 to 60, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 से 60 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहाँ से हम किसी चीज़ को देखेंगे तो एंगल ऑफ इलिवेशन ऊपर बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा बच्चों। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज कीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मेरा बना, ये 30 डिग्री। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, जब ये 30 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से कहाँ होता है, चेंज फ्रॉम 30 to 60। जब ये 30 to 60 चेंज होगा बच्चों, जब ये 30 to 60, मतलब इससे कुछ बड़ा एंगल, 30 to 60, तब ये एंगल कितना हो जाएगा गाइज, 60। क्यों होता है, मैं बार बार इसको बोलता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ, हम लोग इस पे जितना भी क्वेश्चन किए हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में, हमेशा मैं ये इस बात को आप लोग के सामने रखा हूँ क्या, कि ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम लोग अब क्या करेंगे, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, एक ऑब्जर्वेशन ये किया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, दूसरा ऑब्जर्वेशन 60 डिग्री का, तो पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इतना ही है, यहाँ से ऑब्जर्व किया और यहाँ तक आ गया, तो यही डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हम लोग इसको ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, डी डिलीट करते हैं। क्लियर है गाइज, क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, छोटे वाले में आते हैं, ए बी डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन 60 डिग्री क्या लिखेंगे बच्चों, टेन 60 डिग्री लिखेंगे, पी वाई बी। सपोज कीजिए इसको आप बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्स मानते हैं, बी डी लिखने से ईजी है क्या, एक्स लिखना, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बी डी लिखने से अच्छा है एक्स लिखना, एंड इसको हम लोग बायलेट करते हैं, और कोई इसमें कुछ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो टेन 60 इक्वल टू 100 वाई एक्स पी वाई डी। सो अब क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू 100 वाई एक्स। सो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स इक्वल टू 100 वाई √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या आ गया, 100 वाई √3 मीटर, सिर्फ इतना इतना मेरा क्या आ गया बच्चों, बी डी इक्वल टू 100 वाई √3 मीटर। बट मुझे वाई फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, वाई फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है बच्चों, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 100 वाई वाई प्लस 100 √3, 100 वाई वाई प्लस 100 √3, 1 वाई √3 होता है, टेन 30 का वैल्यू इज व्हाट, 1 वाई √3, फिर 100 वाई, यहाँ पे √3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई √3 प्लस 100। ये जो आपका 100 है नीचे डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं, √3 को यहाँ पे लिखते हैं, 100 √3। क्लियर है गाइज, क्लियर है।
अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये सिंपल सा हम लोग का 100 × √3 × √3 क्या हो गया, 300। क्रॉस मल्टीपल आप किया तो 300 हो गया। हम लोग लिखेंगे 2√3 + 100 = 300, क्लियर। एंड 2√3 = 300 − 100 कितना हो गया बच्चों, 200। सो y = 200/√3, सो y = 200/√3, 200/√3। एंड √3 को हम लोग √3 में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये डिनोमेटर है, डिनोमेटर को इमेजिनरी नंबर में हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 200√3/3, 200√3/3, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको आप कुछ नहीं, बाई ही हम लोग से पूछ रहा है, हम लोग इसको इसके आ गए हैं इसके पास, 200 × 1.732/3। अब 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 राइट साइड शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 173.173 डिजिट के बाद ये पॉइंट मेरा शिफ्ट किया 173.2। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको केयर करना है जब मैं बतला रहा हूँ, तो अदरवाइज ज़्यादा उलझने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा माइंड को यूज किया जाए। अब देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कितना है, 1732 × 2, तो कितना हो जाएगा, 3464, 3464, 3 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट है, तो मैं इसको डाल दिया बाई 3। अब सिंपल साइज को आप डिवाइड कर लीजिए, इतना क्या हो जाएगा मेरा मीटर, 1154, क्या हो गया बच्चों, 115.4 मीटर मेरा क्या हो गया आंसर। तो थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन टे भी ध्यान देना है, अगर आप 200/√3 यहाँ पे आया तो हम लोग इमेजनरी नंबर को डिनोमेटर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इमेजनरी नंबर को डिनोमेटर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें √3 × √3 से मल्टीप्लाई किए, तो मेरा डिनोमेटर में √3 से ये क्या क्या बन गया, 3 बन गया। सो अब मेरा डिनोमेटर में ये क्या हो गया, 200√3। एंड हम लोग आगे इस तरह से प्रोसीड कर दिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये दो क्वेश्चन का छोटा सा हम लोग का प्यारा सा ये सेशन समाप्त हुआ। एंड जो भी आपका डाउट है उसको आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपना डाउट रख सकते हैं। एंड आई होप आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइड एंड हैव ए ग्रेट डे।